नमस्कार मित्रों, भाग्य निवारण चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सबकी सेवा में भाग्य निवारण फिर से। भारतवर्ष पर्वों का देश है मित्रों, दीपावली के पर्व का सभी को इंतजार रहता है। आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, फटाके फोड़कर आनंद लिया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं। आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ की जाती है, हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। माँ लक्ष्मी जी से सुख समृद्धि बुद्धि तथा घर में शांति तरक्की का वरदान मांगा जाता है। दीपावली पर देवी देवताओं की पूजा में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है जो हम आपको बताएंगे। दीपावली में पूजा हेतु लगभग सभी चीजें घर में ही मिल जाती हैं। कुछ अतिरिक्त चीजों को बाहर से लाया जा सकता है। ये वस्तुएं लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी का चित्र या प्रतिमा, रोली, कुमकुम, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, धूप, अगरबत्ती, मिट्टी के दीपक, रुई, मौली, नारियल, शहद, दही, गंगाजल, गुड़, धनिया, फल, फूल, जौ, गेहूं, दुर्वा, चंदन, सिंदूर, घी, पंचामृत बनाने के लिए ये सब सामग्री और दूध, मेवे, खीर, बतासे, गंगाजल और जनेऊ, श्वेत वस्त्र, इत्र, चौकी, कलश, कमल के गट्टे की माला, शंख, आसन बैठने के लिए थाली, चांदी का चिक्का, देवताओं के प्रसाद हेतु मिष्ठान। मित्रों, मिष्ठान हो सके तो बिना वर्क का हो। और दीपावली की पूजा कैसे की जाती है, यदि दोस्तों हम दीपावली में माँ लक्ष्मी जी की पूजा यदि सही विधि रूप से करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी हम पर जरूर खुश होगी और हमारे आर्थिक स्तर मजबूत होगा और दोस्तों हमारी जिंदगी में धन संबंधी कोई कमी नहीं आएगी। दीपावली की पूजा में सबसे पहले एक चौकी पर लाल व सफेद वस्त्र बिछाकर, मित्रों दीपावली की पूजा में सबसे पहले आप एक बजोट रखिएगा, जहां आपका पूजा का स्थल हो वहां पे उस बजोट के ऊपर लाल व सफेद कलर का वस्त्र बिछाकर उस पर माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी, भगवान गणेश जी का चित्र या प्रतिमा को विराजमान करें। इसके बाद हाथ में फूल के जलपात्र से थोड़ा सा जल लेकर उस प्रतिमा के ऊपर मंत्र पढ़ते हुए छिड़कें। बाद में इस तरह से स्वयं को तथा अपने पूजा के आसन को भी जल छिड़ककर पवित्र करें और दोस्तों पवित्र मंत्र का जप करें। इसके बाद माँ पृथ्वी को प्रणाम करके तथा उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने आसन पर विराजमान रहे। मित्रों, इसके बाद ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः कहते हुए गंगा जल का आचमन करें। इस पूरी प्रक्रिया के बाद मन को शांत कर, आंखें बंद कर तथा माँ को मन ही मन प्रणाम कर हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प करें। संकल्प के लिए हाथ में चावल, पुष्प और जल ले लीजिए, साथ में एक रुपये का सिक्का भी ले लें। इन सब को हाथ में लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक व्यक्ति अमुक स्थान पर समय पर माँ लक्ष्मी जी, सरस्वती और गणेश जी की पूजा करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे शास्त्रों का फल प्राप्त हो। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी व गौरी का पूजन कीजिएगा, तत्पश्चात कलश पूजन करें, फिर नवग्रहों का पूजन कीजिएगा, हाथ में अक्षत और पुष्प लीजिएगा, नवग्रह श्लोक बोलिएगा। इसके बाद भगवती मातृकाओं का पूजन किया जाता है। इन सभी के पूजन के बाद मातृकाओं को गंध, अक्षत, पुष्प प्रदान करते हुए पूजन करें। पूरी प्रक्रिया मौली लेकर गणपति, माता लक्ष्मी जी, सरस्वती जी को अर्पण कर स्वयं के हाथ पर भी बंधवा लें। अब सभी देवी देवताओं के तिलक लगाकर स्वयं को भी तिलक लगवाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी का पूजन करें, उनकी प्रतिमा के आगे 7, 11 अथवा 21 दीपक जलाएं और माँ को श्रृंगार सामग्री अर्पण करें। माँ को भोग लगाकर उनकी आरती करें और श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त या कनक धारा स्रोत का पाठ करें। इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण होगी। क्षमा प्रार्थना करें दोस्तों, पूजा पूर्ण होने के बाद माँ से आप जाने या अनजाने में कोई भूल हुई हो तो उनके लिए माँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। माँ, न मैं आह्वान करना जानता हूँ, न विसर्जन करना जानता हूँ,
पूजा कर्म भी मैं नहीं जानता। हे परमेश्वरी मुझे क्षमा करो। मंत्र क्रिया और भक्ति से रहित जो कुछ पूजा मैंने की है देवी, वह मेरी पूजा संपूर्ण हो। यथासंभव प्राप्त उपचार वस्तुओं से मैंने जो ये पूजन किया है उससे आप भगवती श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न हो और हमारी मनोकामना पूर्ण करो। इसके बाद आप दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी जी की, गणेश जी की और सरस्वती जी की आरती करें। यदि मित्रों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो हमारे भाग्य निवारण चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आपको मिल सके।